You are watching NTTV News, News Telangana Television. अपने इलाके में अपना स्टेट में क्वेश्चन ये है कि आरटीसी का स्ट्राइक लीगल है इलीगल है, ये गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक को धोखा गुमराह करने के लिए ये इलीगल स्ट्राइक करके बता रही है। लेकिन ये आरटीसी वाले 35 दिन के पहले स्ट्राइक करने के 35 दिन के पहले लोग नोटिस दे चुके गवर्नमेंट की, हम लोग 35 दिन के बाद हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट 35 दिन उन लोगों से कोई मसला नहीं करी, किसी लीडर कहने के नहीं गई, उन लोगों के जो लीडर है जेएसी के आरटीसी के उनके पास भी नहीं गई। लेकिन 15 दिन के जो 35 दिन के बाद गवर्नमेंट ये आरटीसी एम्प्लॉयज जब स्ट्राइक शुरू करे उन लोगों का बोले कि ये इलीगल है, जो अगर स्ट्राइक ज्यादा करे तो वो उन लोगों का सेल्फ डिसमिस है, सेल्फ डिसमिस है। ये 50 जने यो 50,000 लोग यहाँ पे कर रहे, 50 लोग 50,000 नहीं, उनके फैमिली से उनके ऊपर डिपेंड है, सो कई लोग है उन लोगों के पूरे आज के दिन रोड पे आ गए। उन लोग बोल रहे कि गवर्नमेंट ये गुमराह कर रहे कि पूरा पब्लिक को तेलंगाना आओ आपके पब्लिक को गुमराह कर रहे कि इन लोग इलीगल है। लेकिन इलीगल नहीं है वो, उन लोग लीगल के वजह से उन लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और अब पूरे आवाम से हम लोग हमारे एडवोकेट जाग से एडवोकेट भी पूरे लोग ये आवाम को ये आरटीसी आवाम लोगों को भी हम लोग ये दे रहे कि ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। पूरे आवाम के जनता भी ये स्ट्राइक को सपोर्ट करना है, क्योंकि उन लोग भी ये अपना आवाम के प्रजा है, आवाम के लोग है, इसलिए अपन सपोर्ट करना, इसलिए हमारे पूरे जेएसी भी।